कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दावा है कि भारत की एक इंच जमीन पर भी किसी का कब्जा नहीं है, महज बयानबाजी है। चिदंबरम ने कहा कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने भी आकलन किया है कि चीन की सेना अभी भी वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार भारत की ओर 1.5 किलोमीटर अंदर घुसी हुई है। पूर्व गृह मंत्री ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत सरकार दावा करती रही है कि हमारी जमीन पर किसी ने अतिक्रमण नहीं किया है, लेकिन ये बयानबाजी महज कोरी गप साबित हुई। चिदंबरम ने अपने ट्वीट में लिखा, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने आकलन किया है कि चीनी सेना अभी भी LAC के पार भारतीय सीमा में 1.5 किलोमीटर अंदर तक घुसी हुई है। मई में चीनी सेना LAC को पार कर हमारी सीमा में 5 किलोमीटर अंदर आ गई थी। पी चिदंबरम ने कहा कि सरकार का दावा है कि भारत की सीमा में किसी ने अतिक्रमण नहीं किया है, ये महज एक बयानबाजी थी। रक्षा मंत्री ने भी बयान दिया है कि भारत की एक इंच जमीन को भी कोई नहीं छू सकता, ये तो और भी बयानबाजी थी। कांग्रेस नेता ने कहा, जब केंद्र सरकार सच्चाई स्वीकार नहीं करती कि तब तक पूर्व की यथास्थिति को हासिल करना मुश्किल होगा। हम आपको बता दें कि 15 जून को गलवान में भारत और चीनी सेना के बीच हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच लंबी बातचीत हुई थी। इसके बाद दोनों सेना पीछे जाने पर सहमत हुए। हालांकि रक्षा एजेंसियों के मुताबिक गलवान वैली में फिंगर 4 इलाके में चीनी सैनिक अभी भी मौजूद हैं। फिंगर 4 पर भारत का दावा है, भारत फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करता रहा है, लेकिन चीनी सैनिक मई में फिंगर 4 तक आ गए थे। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि कल राहुल गांधी ने वीडियो ट्वीट कर भारत की नीतियों पर सवाल उठाए थे और आज पी चिदंबरम ने ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी पर दोबारा निशाना साधा है। SPN9 न्यूज़ रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।